लोग सपोर्ट किए, केबल डालने के लिए हम सपोर्ट किए, हमारे कोई हर टाइम करेंगे। सबसे पहले तो टोरेंट वाले है ना, इनको बोलो कि बोलना बात करने का तरीका सीखो। वो बोलता है कि भाई हम अभी आले, अभी चेक कर। इसको पूछ रहे हैं कि लाइट कितने बजे आएंगे, तो बोलता है तुम तुम्हारा काम करो। उनको खुद को पता नहीं कि कौन से फिटर में लाइन डालना चाहिए, कौन से फिटर में नहीं डालना चाहिए, जिसमें लोड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। वो कोई फ्री में लाइट तो नहीं दे रहा ना, इसमें इतना इतना घुटने तक पानी होता है ये गली में, केबल पूरा पानी में। मुंब्रा कौसा में टोरेंट पावर की बिजली व्यवस्था दिन ब दिन सुधरने के बजाय और खराब होते जा रही है। लोगों को 8-8 घंटे अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी खराबी होने पर टोरेंट पावर के पास जो टेक्नीशियन है वो जल्दी पता ही नहीं लगा पाते हैं कि आखिर खराबी कहां पर हुई है। कल दिन में 3 बजे के आसपास दादी कॉलोनी हाजी मलंग अपार्टमेंट इस पूरे परिसर में बिजली चली गई थी। शिकायत करने पर टोरेंट के टेक्नीशियन आते हैं और देख कर चले जाते हैं। 3 बजे दिन में बिजली गई, मगर रात 11 बजे तक टोरेंट पावर के टेक्नीशियन सिर्फ ये ढूंढते रहे कि आखिर खराबी कहां पर हुई है। इस दौरान इलाके के कई लोगों ने टोरेंट के कर्मचारियों से ये जानना चाहा कि कितने घंटे में बिजली ठीक हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने ये बताया कि इतने पूछने पर ही ये लोग उल्टे सीधे जवाब देने लगे। इलाके में घंटों बिजली गायब, लोगों में काफ़ी गुस्सा, इमारतों से लोग नीचे उतर गए। लोगों ने बताया कि टोरेंट पावर के जो टेक्नीशियन हैं ये खराबी का पता ही नहीं लगा पा रहे हैं, घंटों से सिर्फ यहाँ खोल वहाँ खोल कर रहे हैं, और जो केबल है वो भी अंडरग्राउंड नहीं किया गया है, रोड के ऊपर ही ये केबल पड़ा हुआ है। कई बार बाइक सवार भी गिरने से बचे हैं। टोरेंट की इस लापरवाही से लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने क्या कहा है आपको सुनाएंगे, मगर आपको बता दें कि दिन में 3 बजे के आसपास दादी कॉलोनी में बिजली गई, मगर रात 11 बजे तक बिजली नहीं आई थी। टोरेंट कर्मचारियों ने लोगों को हंगामे के बाद ये बताया कि अभी भी 2 घंटे लगेंगे बिजली ठीक होने में। केबल इन लोग ने पहले सागर फिटर में लाइन था ये एरिया का, इसको अलमास फिटर में नया केबल डाल के अलमास फिटर की। अब सागर फिटर का फॉल्ट नहीं मिला उन लोग को आज तक, फिर वापस वही केबल ऊपर चढ़ा दिए कि वो सागर चालू हो गया, हम लोग ने काम किए, वो लगाने के बाद वापस ब्लास्ट हो गया, वो फिर वापस अलमास फिटर को चालू कर रहे लोग। उनको खुद को पता नहीं कि कौन से फिटर में लाइन डालना चाहिए, कौन से फिटर में नहीं डालना चाहिए, जिसमें लोड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। वे मतलब खाली खेल खेल रहे लोग 3 बजे से, लोगों को परेशान कर रहे हैं। और अंडरग्राउंड केबल का तो इन लोग ने सिर्फ यहाँ पे ही अंडरग्राउंड किए, उसके आगे से नाली बनी है, उसके बाजू में केबल डाले। जब पानी इतनी भारी बारिश में इतना इतना घुटने तक पानी होता है ये गली में, केबल पूरा पानी में, मंदिर से लेके पूरा रोड तक केबल, वैसी छूटा हुआ मैदान में। और टर्निंग पे बाइक वाले स्लिप होते, गिरे एक का दुक्का लोग, पर स्लिप होते बाइक से। दस में कब से यहाँ पे लाइट नहीं थे और क्या प्रॉब्लम हुआ था यहाँ? चांद रात के दिन में पहली बार है ना शॉर्ट सर्किट हुआ इसमें, और जो ना कहा गया कि केबल जल गया, तो उस टाइम पे यहाँ के लोकल लोगों ने ना सपोर्ट किया एंड केबल चेंज करे, मतलब न्यू केबल उन लोग ने डाले। ये लोग ने भी हमारा साथ दिया, अच्छा नया केबल डाले। फिर क्या हुआ, इन लोग ने केबल तो डाले लेकिन उस पर ना ये लोग ने ऐसी खुला छोड़ दिया, जिससे एक्सीडेंट भी हुए और वो बाद में एट द एंड वो स्पार्क भी हुआ। अब हर 5 दिन में ये हो रहा है कि 7 आवर्स के लिए ना लाइट जा रही है, 7 आवर्स के लिए लाइट जा रही है। अब बार बार कैसे कंट्रोल करेगा? तो ये इनको हम लोग यही अभी आके मैं इनको समझा रहा था कि तुमको सपोर्ट करेंगे लेकिन एक ही टाइम फाइनलाइज करो ना, बार बार काम करके हमको क्यों तकलीफ दे रहे हो? अब हर चीज़ हमारी भी ऑनलाइन चल रही है, तो लाइट ही नहीं रहेगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, तो हम आगे काम क्या करेंगे? यही हमारा इशू है ना, हम लोग चिकारे कटी थी ये लाइट आज नहीं 2 या 2:30 बजे से 3 बजे से 12 बजे से किले केबल 3:30 बजे के करीब कुछ लाइट गई हुई है। वही ना, अभी कैसा है लोगों का बोलना है कि 1 बजे लाइट आई, आप कैलकुलेट करो 8 घंटा लाइट नहीं है। अब चलो जिनके पास इन्वर्टर है, जिनके पास इन्वर्टर है वो तो अंडरस्टैंड है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका नहीं है वो क्या करें? अब जब से टोरेंट आया, जब से इश्यूज बढ़ गए, मतलब पहले ऐसा हुआ करता था कि हेल्पलाइन नंबर पे हम लोग बात करते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ यार कुछ प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो उसका फायदा होगा, लेकिन अब 10 दिन के बाद क्या हो रहा है कि उन लोग फोन भी नहीं उठा रहे,
मतलब इश्यूज बढ़ते जा रहे। अच्छा ये भी बात सामने आ रही है कि जो आए हैं अब तक बनाने के लिए कई बार ये लोग आए और हाँ, ये लोग आते फॉल्ट नहीं मिल रहा है। आते अभी ये आज के दिन का ऐसा पता चला कि फॉल्ट ही नहीं मिला है। ठीक है लोग आते हैं इंजीनियर लोग आते हैं लेकिन फॉल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन 8-8 घंटा बहुत होता है ना भाई, 8 घंटा इंसान एक तो ऐसे कोरोना वायरस चल रहा है क्या करेगा इंसान घर में बैठ के, कैसा बैठेगा इतनी गर्मी में। अभी 3 बजे लाइट गई है और 11 बज रहे हैं अभी। अभी और 2 घंटे के लोग से बात कर रहे थे आप, तो इन्होंने कब तक कहा बिजली? अभी 2 घंटा और बोला इन्होंने, यानी 12 से एक बजे तक आएगी कुछ। सबसे पहले तो टोरेंट वाले है ना, इनको बोलो कि बोलना बात करने का तरीका सीखो। इसको पूछ रहे हैं कि लाइट कितने बजे आएंगे तो बोलता है तुम तुम्हारा काम करो नहीं तो मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा। तो पहले इसको बोलना बात करने का तरीका सीख ले। बोलना कितने बोला था? अरे सब वर्कर है, स्टाफ है, बाहर स्टाफ से मिला देता हूँ मैं। काम करने आए तो काम करने वाला है तो उसको पूछने के लिए नहीं जाएंगे क्या? ये तो हम MSCB से भी पूछते थे, आज का नहीं है, ये जमाने से चल रहा है। MSCB को भी हम पूछते थे कि लाइट कितने बजे आएगी करके, तो वो भी बोलते थे ना कि 1 घंटा 2 घंटे में आएगी करके। उनका काम है ना बोलने का, वो कोई फ्री में लाइट तो नहीं दे रहा ना। बिल ला के बताओ, अभी का लेटेस्ट बिल दो, हम लोग बिल भरते हैं। उसको बोलना ये सब गमान में मत रहना और बात जरा सोच समझ के करना, ये वर्कर की बात करने का तरीका नहीं है। मैं आया था 7 बजे के वक्त, लोग से पूछा कि भाई लाइट कभी आएगी, बच्चे परेशान हो रहे, बच्चे को दूसरे रिश्तेदारों के घर पे भेजना पड़ रहा है। तो वो मेरे को अकड़ के बोलता है कि जा बोले एक आ जाएगी 7 बजे से पहले। अकड़ के लोग का, वो भी स्टाफ वाला नहीं इंजीनियर, ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा है। अब 8:30 आया तो जिसने बोला था वो गायब, दूसरा आया वो बोलता है कि भाई हम अभी आ ले अभी चेक कर रहे हैं। इतना खराब हुआ है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है, पब्लिक यहाँ परेशान हो गई है। घर में किसके बच्चा है, कोई बूढ़ा इंसान है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई अस्थमा पेशेंट है, मतलब मर जाए उनको कोई मतलब कर्टसी नाम की चीज़ ही नहीं है, फीलिंग नाम की चीज़ नहीं है। अभी मैंने मिस्टर अपूर्वा से बात किया, 1 घंटा बात किया लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि उनको वहाँ पे फॉल्ट क्या है। अभी वो लोग को फॉल्ट मिला भी नहीं है प्रॉपरली, ढूंढ रहे अभी भी यहाँ दिख रहे। इनको 10 बार बोलते हैं कि केबल टुवारो, फॉल्सी थिंग्स बोला गया। अभी खुला बोलता फॉल्सी थिंग्स बोला गया। सुबह हमने पूछे, शाम को ऑफिस आने का हमने पूछा कि केबल मत लगा टूटा हुआ क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो केबल टूटा हुआ था MSCB के टाइम पे, इसलिए वो चेंज हुआ है। वही केबल को फिर से दोबारा लगाया जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।